दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के ज़िलों के नामांकन की वजह, ठीक है, कि जितने भी हमारे ज़िले हैं, ठीक है, 22 ज़िले हैं, 22 ज़िलों के जो भी नाम हैं वो क्यों आए हैं, किसके नाम के ऊपर वो पड़े हैं, ठीक है, उनके पीछे की कहानी क्या है, वो हम जो है वो अभी 5-7 मिनट की वीडियो रहेगी और इसमें हम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा टॉपिक ये हमारा कवर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो ध्यान देंगे इस पर और एक दो बार लगातार जो है वो देखोगे आप, ठीक है, एक कम से कम 2-3 बार वीडियो रिपीट करोगे और आसानी से आपके नाम वो याद हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये रहा मैप, ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे अम्बाला, ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम सबसे पहले, अम्बाला, ये रहा अम्बाला। अम्बाला जो है वो किस वजह से इसका नाम अम्बाला पड़ा, अम्बाला का नाम किस वजह से अम्बाला पड़ा है ये हमको पढ़ना है। तो ये माँ अम्बालिका के नाम पे जो है इसका नाम अम्बाला पड़ा है, माँ अम्बालिका के नाम पर। या फिर दूसरी वजह क्या है, आमों के कारण, आमों के कारण भी जो है इसका नाम क्या पड़ा है, अम्बाला पड़ा है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे पंचकुला, क्या पढ़ेंगे, पंचकुला। पंचकुला क्यों पड़ा, पंच से देखो देखो पांच, ठीक है, तो पांच कुप्पों के कारण, पांच कुप्पों या झरनों की वजह से इसका नाम क्या पड़ा है, पंचकुला पड़ा है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है इसके साथ में ही, यमुनानगर है, यमुनानगर क्यों पड़ा है, यमुना नदी के कारण, क्यों पड़ा है जी, यमुना नदी के कारण, यमुना नदी के कारण पड़ा है यमुनानगर, ये बात आपको याद रखना है, रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी, उसके बाद आ जाता है कुरुक्षेत्र, ये रहा यहाँ पे कुरुक्षेत्र, ठीक है, इसको मैं नीचे करूँगा। उसके बाद क्या आ जाता है जी, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र क्यों पड़ा है, राजा कुरु के कारण, किसके कारण पड़ा है, राजा कुरु के कारण क्या नाम पड़ा है, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के बाद फिर यहाँ पे देखोगे आप ये क्या आ जाता है जी, करनाल, करनाल किसकी वजह से पड़ा है, करनाल, करनाल का नाम पड़ा है जी दानवीर कर्ण के कारण, दानवीर कर्ण के कारण जो है किसका नाम पड़ा है, करनाल का नाम पड़ा है, ये बात आप याद रखोगे। करनाल हो गया, करनाल के बाद हम पढ़ेंगे पानीपत, क्या पढ़ेंगे हम, पानीपत, पानीपत क्यों पड़ा है जी, पानीपत पड़ा है पाणिनि ऋषि के कारण, किस ऋषि के कारण, याद रखोगे पाणिनि ऋषि के कारण क्या नाम पड़ा है, पानीपत, ये बात आप याद रखोगे। पानीपत के साथ में फिर कौन आ जाता है, पानीपत के साथ में आ जाता है जी सोनीपत, क्या आ जाता है, सोनीपत, सोनीपत क्यों पड़ा है, श्रवण कुमार के कारण, किसके कारण, श्रवण कुमार के कारण जो नाम है वो क्या पड़ा है जी, सोनीपत पड़ा है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं जी फरीदाबाद, क्या पढ़ेंगे हम, फरीदाबाद, फरीदाबाद क्यों पड़ा है, फरीद, संत फरीद रहा करते थे, फरीद के कारण, संत फरीद के कारण क्या पड़ा है, फरीदाबाद नाम पड़ा है। उसके बाद साथ में ही है पलवल, क्या नाम है जी, पलवल, जो पलवल डिस्ट्रिक्ट है इसका नाम क्यों पड़ा है पलवल, यहाँ पे एक राजा थे, नाम क्या था जी, कहीं पे पुलाम्बा सुर भी मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे पुलाव सुर भी मिलेगा, ठीक है, कहीं पे क्या मिलेगा, पुलम्बा सुर, ठीक है। ये राजा थे और ये किस टाइम के राजा थे, ये जो है वो महाभारत के समय के राजा थे, ठीक है, पांडवों के समय रहते थे ये, पांडवों के समय के ये राजा थे। तो इन राजा को जो है वो किसने मार दिया था, भगवान श्री कृष्ण के जो भाई थे, बड़े भाई बलराम जी ने इनको मार दिया था, बलराम जी ने क्या किया था, इनका वध किया था, और उसी के कारण, बलराम जी ने इनका वध किया था पुलम्बासुर का, इसी के कारण पलवल में बलदेव छठ का मेला लगता है, बलदेव छठ का मेला लगता है, ये कहाँ पे लगता है जी, पलवल डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। पलवल हो गया, हम पढ़ते हैं जी फिर मेवात, हम पढ़ेंगे मेवात डिस्ट्रिक्ट, मेवात क्या है, मेव जाति यहाँ पे ज़्यादा है, कौन सी जाति है,
मेव जाति ज़्यादा होने के कारण इस एरिया का नाम क्या पड़ गया, मेवात पड़ गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे जी रेवाड़ी। रेवाड़ी क्यों पड़ा है, बलराम की जो पत्नी थी ना रेवती, बलराम की पत्नी थी रेवती, इसके कारण जो है नाम क्या पड़ा है, रेवाड़ी। उसके बाद है जी महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ देखो, महेंद्र इसमें एक नाम आया, तो पटियाला के राजा थे ये, कहाँ के राजा है जी, पटियाला के राजा महेंद्र के कारण इनका नाम क्या पड़ा है, महेंद्रगढ़ पड़ा है। ये बात आप याद रखोगे। उसके बाद फिर हम कर लेते हैं जी चरखी दादरी। चरखी दादरी यहाँ पे एक तालाब हुआ करता था, झील हुआ करती थी, उसमें उस झील में क्या थे, उस झील में ना दादुर मेंढक थे। कौन से मेंढक बोला है जी मैंने, दादुर मेंढक, और उसी के कारण क्या पड़ा है, चरखी दादरी। क्या पड़ा है, चरखी दादरी, झील थी, दादुर मेंढक थे उसमें, उन ज़्यादा मेंढक होने की वजह से इस एरिया का पूरा नाम क्या पड़ गया, चरखी दादरी पड़ गया। उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी, भिवानी। क्या जाता है, फिर भिवानी नाम आ जाता है। भिवानी एक राजा थे जी, राजा नीम सिंह, राजा नीम सिंह, राजा नीम सिंह की पत्नी थी, इनकी पत्नी का क्या नाम था, पत्नी का नाम था पानी, और इसके नाम से फिर क्या आ गया, भिवानी। ठीक है, उसके बाद है हिसार। हिसार का नाम पड़ा है जी चार गेट की वजह से। चार गेट, चार गेट कौन कौन से हैं जी, आपको याद रखना है। हमने मोरी में से देखा, मोरी होती है एक सुराख, छोटा सा सुराख, ठीक है। हमने क्या देखा, मोरी में से देखा, क्या देखा हमने मोरी में से, कि नाग आ रहा है, कहाँ से आया, लाहौर से। ये ट्रिक है, वैसे बना दिया मैंने, ठीक है। तो चार गेट कौन कौन से हैं जी, पहला है मोरी गेट, मोरी में से देखा, क्या देखा, नाग, नागोरी, नागोरी गेट, कहाँ से आ रहा है, लाहौर से, लाहौरी गेट। तीन गेट तो आपको याद हो गए, और साथ में एक और गेट आप याद कर लो, तलाकी गेट। ये चार गेट हैं जी, कहाँ पे हैं, हिसार में हैं, जिसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा, हिसार पड़ा है। उसके बाद फिर क्या जाता है जी, हिसार के बाद फतेहाबाद हम पढ़ेंगे। फतेहाबाद, फतेहाबाद का नाम क्यों पड़ा है जी, फिरोज शाह तुगलक था, याद होगा आपको, फिरोज शाह तुगलक, इसका पुत्र था जिसका नाम क्या था, फतेह खां। इसी के ऊपर क्या पड़ा है जी, फतेहाबाद नाम पड़ा है, याद रखोगे। उसके बाद आ जाता है जी सिरसा। जो सिरसा जिला है, नाम क्यों पड़ा है जी, श्री सुवन ज़्यादा है, श्री सुवनों की अधिकता के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा है, सिरसा पड़ा है। ये बात आप याद रखोगे, सिरसा। उसके बाद जींद, जींद जयंती देवी के कारण, जयंती देवी के कारण जींद का नाम पड़ा है जींद, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, रोहतक। क्या पढ़ रहे हैं, रोहतक जिले का नाम रोहतक क्यों आया, तारावती रानी थी, ठीक है, तो उसके पुत्र थे रोहतास, उसका पुत्र जो था वो क्या नाम है जी उसका, रोहतास, रोहतास से क्या बन गया, रोहतक बन गया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या जाता है जी, रोहतक के ही पास बैठा है एक, नाम क्या लेकर बैठा है, झज्जर। तो झज्जर जो है वो एक किसान थे, ये किसान थे, नाम क्या है, छज्जूराम। फिर ये नाम बिगड़ता बिगड़ता या फिर चेंज होता होता क्या बन गया जी, झज्जर बन गया। उसके बाद फिर क्या आ जाता है जी, गुरुग्राम, जिसको आप बोलते हो अभी गुरुग्राम, मतलब गुरु का गांव, गुरु का गांव है, तो कौन सा गुरु है, गुरु द्रोणाचार्य के कारण, गुरु द्रोणाचार्य के कारण इसका नाम क्या पड़ा था जी, गुरुग्राम पड़ा था, ठीक है। और एक रह जाता है जी आपका कैथल। क्या रह जाता है जी, कैथल रह जाता है, कपिल मुनि ऋषि थी यहाँ पे, कपिल मुनि ऋषि, और हनुमान जी की जन्मस्थली भी बोलते हैं इसको,
हनुमान जी की जन्मस्थली। तो इनके कारण इसका नाम क्या पड़ा है जी, कैथल पड़ा है, ये बात आप याद रखोगे। ओके, तो ये थे हमारे सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट, 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हमने करा दिए हैं। किस किस का नाम क्यों पड़ा है वो आप दोबारा से पढ़ोगे एक दो बार तो याद हो जाएगा। और ये कई बार अंबाला के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, अंबाला का नाम अंबाला क्यों पड़ा है, तो जाहिर सी बात आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्यों ना हम 5-10 मिनट लगा के अपना एक अच्छा सा टॉपिक कवर कर लें। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक यू।